दोस्तों वर्ल्ड कप के बड़े मैच में एक बार फिर से 2019 के तरह ही सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड की टक्कर होगी। दोस्तों बीते कल के मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को हराते हुए वर्ल्ड कप के चार नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जिताना देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराने के लिए पूरी प्लेइंग 11 को बदल कर रख दिया है और ऐसे चार खूंखार शेरों की वापसी की है जिसे देखकर न्यूजीलैंड की टीम थर थर कांपने लग चुकी है। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को हटाकर टीम में हार्दिक पांड्या को शामिल कर लिया है। दोस्तों आप लोग जरूर सोचते होंगे कि पाकिस्तान की टीम 5 नंबर पर मौजूद है और उसका अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ खेलना है। यदि उस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम जीत हासिल कर भी लेती है तो वो वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल पे नंबर 5 पर ही दिखाई देगी, क्योंकि नंबर 4 पर आने के लिए इंग्लैंड की टीम को हराना होगा और इंग्लैंड के सामने ऐसा कर पाना लगभग मुश्किल की बात है। तभी तो आपको वर्ल्ड कप 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा और सभी मुकाबले से यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि बात है साल 2019 की जहां पर भारतीय टीम का सामना सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था और वहां पर भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने किस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों अभी एक हिसाब से अगर देखा जाए भारतीय टीम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराना बिल्कुल आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में दोनों टीमों के बीच महामुकाबला खेला जाएगा जिसके चलते दोनों टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई कर चुकी है और सेमीफाइनल में क्या होने वाली है कप्तान रोहित शर्मा की फाइनल प्लेइंग 11 और किस नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड का यह मुकाबला किस मैदान पर और कहां खेला जाएगा सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में 99% क्वालिफायर कर चुकी है, जहां पर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के आखिरी मुकाबले में यदि इंग्लैंड की टीम को 290 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को 280 या 290 रनों से हरा दिया तो रन रेट के चलते वर्ल्ड कप 2023 के रेस से बाहर हो जाएगी और एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड का यह मुकाबला 15 नवंबर को वानखेड़े मुकाबले में भारतीय समय अनुसार 2 बजे खेला जाएगा, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान अपने खिलाड़ियों को वार्निंग देते हुए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम अभी तक वर्ल्ड कप 2023 के एक भी मुकाबला नहीं हारा है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने सेमीफाइनल खेलेगी तो न्यूजीलैंड टीम का हारना बिल्कुल निश्चित होगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं सेमीफाइनल को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। जहां पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में फिर से आपको कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग में शुभमन गिल दिखेंगे। बात की जाए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बारे में, जिन्होंने भारतीय टीम में हर एक मुकाबले के लिए अच्छा रन बनाए हैं। अगर बात करें शुभमन गिल के बारे में, पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 52 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जहां पर तीसरे नंबर पर किंग कोहली बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब विराट कोहली अपने आप को मैदान पर सेट कर लेती है तो कोई भी गेंदबाज उसे आउट करने के लिए नाकामयाब रह जाती है। उसके बाद आपको कप्तान रोहित शर्मा के प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर सैयद सैयर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, जबकि पांचवें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। हालांकि दोस्तों 2 या 3 मैचों में केएल राहुल का बल्ला बिल्कुल खामोश दिखा, लेकिन दोस्तों केएल राहुल को सेमीफाइनल में एक अलग अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को हरा पाएगी या फिर नहीं।